अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे कलेजी कढ़ाई। कलेजी कढ़ाई के लिए सबसे पहले हमने कलेजी वॉश कर लिया है। इसको हम एक बाउल में डालेंगे। बाउल में डाल के हम इसमें 2 टेबलस्पून विनीगर ऐड करेंगे। विनीगर ऐड करके हमने इसको अच्छी तरह विनीगर से कोट कर दिया है। इसको अच्छी तरह विनीगर से कोट करके हमने इसको तकरीबन 10 मिनट तक ऐसे रख देना, फिर हम इसको वॉश करेंगे। तो हमने कलेजी को 10 मिनट तक विनीगर में मैरिनेट करके रखा था। अब हमने इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया। अब हम इस 2 से 3 चम्मच दही लेंगे और उस दही में वॉश हुई हुई कलेजी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मैरिनेट कर देंगे। इसको मैरिनेट कर लेंगे और साथ ही अब हम इसका नेक्स्ट कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये हमने कढ़ाई में थोड़ा सा घी लेके उसमें 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट भून लेना है। अब जब ये भूनने लग जाए या खुशबू छोड़ने लग जाए तो हमें ये जो मैरिनेट किया हुआ है ये भी ये हम इसमें डाल देंगे। अब इसको हमने अच्छी तरह भून लेना है। ये जैसे ही भुनना स्टार्ट होगी इसका पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जब इसका पानी अच्छी तरह ड्राई हो जाएगा तो नेक्स्ट हम इसमें प्रोसेस करेंगे स्टार्ट। पानी जब इसमें ड्राई होने लगे कलेजी में, ये हमने इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला, ये भी जो कलेजी का खुद से भुन के हुआ है, इसमें हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटर चॉप करके डाल देंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। इसमें हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डालना, वो दही का पानी और जो इसका भुनाई से कलेजी का खुद निकलेगा ये उसी में ही पक जाएगी। पानी डालने से ये सख्त हो जाएगी। अब हम इसको भून लेते हैं। अब जैसे इसका ये पानी ड्राई होने लग गया तो अब हम इसमें 1 चम्मच रेड चिली, 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच ही धनिया पाउडर डाल के मिक्स करेंगे। इसमें नमक हमने भी नहीं डाला, नमक हमने बिल्कुल एंड में डालना है। अब देखें जब ये अच्छे से इसका पानी ड्राई हो गया और इसका ऑयल सेपरेट होने लग गया तो हम इसमें 2 चम्मच क्रीम डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये जब ये ऑलमोस्ट पूरा रेडी हो जाएगा तो एंड में हमने इसमें नमक ऐड करना है। नमक ने हमने इसमें स्टार्ट में इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि नमक से हमारी कलेजी हार्ड हो जाएगी, क्रम से स्टार्ट में डाल देंगे। तो इस तरह नमक बिल्कुल एंड में ऐड करके इसको ढक देना है और चूल्हा बंद कर देना है। इस तरह थोड़ी देर में 5 मिनट तक ढक्कन खोल के हमने इसको सर्व करना है।